છે મોટા મંદિરે દેવ દ્વારકાધીશ મુરલીધર મહારાજને સૌ કોઈ નમાવે શીશ સૌ કોઈ નમાવે શીશ લટકાળ નંદનો લાલો લા
गया खबर जने वालो लटकालो नींद नो लालो लागे आँख व्रजने वालो पापी मामा कंस ने मारो जागो ये नो जय जय कारो पापी मामा कंस ने मारो जागो ये नो जय जय कारो ए गोकुल मेलू मथुरा मेलू ने थयो द्वारिका नाथ रे तो थयो द्वारिका नाथ राजे रण छोड़ रूपालो दीन बंधु देव दयालो राजे रण छोड़ रूपालो दीन बंधु देव दयालो लटकालो नंद नो लालो लागे आँख व्रजने वालो आठ नौ दाड़ो आयो रे आयो गोकुल आठ
ના જપ તપ ફળિયા કયા પુણ્ય નો સરવાળો વૃંદાવન માં આવો
तत्व विचारम्
ब्रह्म परम। सर्वसुख सारं
तत्त्वविचारं ब्रह्मपरं भजनन्दकुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरं भजनन्दकुमारं नन्दकुमारं नन्दकुमारं भजनन्दकुमारं नन्दकुमारं नन्दकुमारं भजनन्दकुमारं नन्दकुमारं नन्दकुमारं जाए घनश्याम गज की गलियन में और मिल
की गलियन में, हो ब्रज की गलियन में, हो ब्रज की गलियन में, हो ब्रज की गलियन में, ब्रज की गलियन में, मैं तो रटू सदा तेरो सदा तेरो नाम ब्रज की गलियन में। यमुना जी की भुजाएं हैं जो यमुना जल में हिलोर ले रहे हैं, विकसित कमलों को उठाकर उपहार रूप में सखा श्याम सुंदर को ये समर्पित करती हैं। ये जितने भी श्री यमुना जी में खिले हुए कमल हैं, वो कमल नहीं, वो तो श्री यमुना जी के नेत्र हैं, और वो अपने नेत्र रूपी कमल से श्री ठाकुर जी के दर्शन करती हैं। नद्यस्तदा तपुधार्य मुकुंद गीता मावर्त लक्षित मनोभव भग्न वेग आलिंगनम स्थगितमुर्मि भुजैर्मुरारे गृह्णन्ति पादयुगलम कमलोपहार। कमल उपहार श्री ठाकुर जी के चरणारविंद में समर्पित करती है, इसलिए हमारे भगवतियों ने भी गाया, अहो सखी यमुना गति ऐसी, यमुना की गति ऐसी, अहो सखी यमुना की गति ऐसी, सुनत मुकुंद गीत मधुर स्त्रवनन विवलह वेगई कैसी, भंवर पड़त सोई काम वेग सो थकित हो य गति भूली, तटही घास अंकुरित देखियत सोही रोमावली फूली, अहो सखी यमुना की गति ऐसी। जब हम ब्रज में आते हैं ब्रज यात्रा काल में, शिवना जी के इसी भाव से जब हम ब्रज में आए यात्रा करें, यही भाव से दर्शन करने चाहिए। जब तरंग आपको दिखाई दे, तरंग विशेष प्रकार से दिखाई दे, ऊंची नीची तरंग दिखाई दे, मानो श्री यमुना जी बड़े प्रसन्न हैं। और श्री यमुना जी कब प्रसन्न हैं? जब श्री ठाकुर जी वहां पे तट पर विहार कर रहे हो, श्री ठाकुर जी के दर्शन करते हैं। और श्री यमुना जी कब प्रसन्न हो जाते हैं? जब श्री यमुना जी अपने भक्तों की बात श्री ठाकुर जी को कहती है, और श्री ठाकुर जी कहते हैं, आपकी कहानी से आप जाके विनती कर रहे हो, वाको मनोरथ में अवश्य पूरा करूंगो। और जब ये बात श्री ठाकुर जी यमुना जी को कहते हैं, तो यमुना जी की तरंगे और बढ़ने लग जाती है और आनंदित हो जाती है। चित्त में तब पड़त चैन जब ही यह बोले, श्री यमुना जी को चित्त में चैन कब आता है, कब आनंदित होती है? जब ये अपने जो आपके जो शरण में आए हुए जो भक्त हैं, वो भक्त की बात जब श्री ठाकुर जी यमुना जी से करें, तब चित्त में पड़त चैन जब ये बोले। जब श्री ठाकुर जी धन्य है, श्री यमुना जी का भाव ये निर्गुण भाव है, प्रियजनों निर्गुण भक्ति है। श्री यमुना जी को आनंद होता है, यानी जब श्री यमुना जी के दर्शन करें तो ये भाव, ये तरंग, ये आपकी भुजाएं हैं, ये आपका आदि देवी का स्वरूप है। भौतिक स्वरूप में वे जल रूप में प्रवाहित हैं, लेकिन यहाँ पे गोपियों को आदि देवी के स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं श्री यमुना जी के। अतः वे उत्प्रेक्षा करती हैं, जल प्रवाह रूप में विद्यमान ये लहरें नहीं अपितु यमुना जी की भुजा, और कमल का उपहार भगवान को ये मानूपुर लेना गे मां घुघरी ने घम के मां जय जय सोड़े सणगार सज्या मानक वे सर मोती मानक वे सर मोती आभरण माओ पोछो आभरण माओ दर्पण मुख जोता मां जय जय श्री तट अंतर रूड़ा मां शोभित जड़ भरिया मां शोभित जड़ भरिया मन वांछित मुरलीधर मन वांछित मुरलीधर
सुंदर वर वरिया माँ जय जय हे अनुरा लाल कमल लपटाना जोवाने ज्ञाता माँ जोवाने ज्ञाता कहे माधव परिक्रमा कहे माधव परिक्रमा व्रजनी करवाने ज्ञाता माँ जय जय श्री यमुना श्री यमुना जिनी आरती विश्राम घाटे थाय माँ मथुरा ने गाते तैत्रिस करोड़ देवता दर्शन करवा जाए क्या पुष्प निवृष्टि थाय माँ जय जय श्री यमुना परम कृपाल श्री वल्लभ नंदन करत कृपानी ज हस्त माधे जे जन शरण आए अनुसरई ग्रही सोपत श्री गोवर्धन नाथ परम उदार चतुर चिंतामन राखत भव धारावयो जात भजो कृष्ण दास साज सब सरई जो जाने श्री विठल नाथ परम कृपाल श्री वल्लभ नंदन करत कृपानिज करत कृपानिज करत कृपानिज हस्त दे माध श्री वल्लभाधीश की जय श्री वल्लभाधीश की। कल 7 बजे Bye.
Thank you.